नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूँ वैष्णवी कतलकर आपके साथ। आज 29 अगस्त है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का, तो आइए नजर डालते हैं आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर जिले में आज सुबह से ही बदरीला मौसम छाया हुआ है। ऐसे मौसम में फसलों पर रोगों के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। किसानों के समक्ष एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, जहां फसलों पर गुलाबी इल्लियों ने तांडव मचा रखा है। घुघुस के अमराई वार्ड क्रमांक 2 में एक 16 वर्षीय नाबालिका को प्रेम जाल में फंसा कर अत्याचार किए जाने का मामला आया सामने। गर्भवती होने के पश्चात शादी से मुकरने वाले आरोपी पर पीड़िता ने किया मामला दर्ज। तानाबोला के दिन बैल को तालाब से निकालने गए युवक की तालाब में डूबने से गई जान। पुंबुर्णा के उम्र पोदार की घटना है। लक्ष्मण मारुति सोयाम उम्र 35 ऐसा मृतक का नाम है, जिसके मृत्यु से परिसर में मातम छाया हुआ है। ब्रह्मपुरी शहर में सराफा दुकान से सोने तथा बेंटेक्स के जेवरातों पर हाथ साफ करने वाले दो अज्ञात चोरों को मात्र 24 घंटे में पुलिस ने किया गिरफ्तार। यह घटना बीते दिनों सराफा लाइन के वैभव संताजी करंडे ज्वेलर्स के दुकान पर घटी थी। भद्रावती के पेपर बोरी से एक हत्या की खबर सामने आई है। रमेश शेट्टी नामक आरोपी ने सूरज शेट्टी नामक युवक पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। जानकारी है कि दोनों में पुराना विवाद था, जिसके चलते आरोपी ने इस करतूत को अंजाम दिया। साथ ही मृतक पर मर्डर तथा बलात्कार के केसेस भी होने की है खबर। गढ़चिरौली में भामरागढ़ के अंतर्गत कोया जंगल परिसर में दो तथा पुमके गट्टा के झारेवाड़ा जंगल परिसर से एक खूंखार नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। विशेष अभियान दल C-60 तथा CRPF बटालियन 37 के जवानों द्वारा संयुक्त नक्सल विरोधी अभियान के तहत इन नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम रमेश पल्लो उम्र 29, तानी उर्फ राशि पुंगाटी उम्र 23 और अर्जुन उर्फ महेश नरोटे उम्र 27 है। प्रवती के चांदूर रेलवे में ईट भट्टी के पास सड़क पर बैठे खरगोश को हटाने गए युवक को कार ने मारी टक्कर। इस हादसे में मोहन मधुकर बोचरे की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोहन बाइक से जा रहा था और रास्ते पर खरगोश को देखते ही बाइक से उतरकर वह खरगोश को हटाने चला गया, किंतु उसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हिंगनघाट पुलिस ने दुपहिया चोर को कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार। महेंद्र शत्रुघ्न वैद्य उम्र 31 ऐसा आरोपी का नाम है, जिसने शरद दामोदर सुरकार की दुपहिया साप्ताहिक बाजार परिसर से चुराई थी। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।